तो ये यहाँ पे आग जला के स्टीम के लिए रख दिया है। ये स्टीम हो गए हैं, मतलब अच्छी तरह से पक गए हैं और थोड़ा इनको अब हवा पे रखेंगे। ये छौंके तैयार हो गया है और इसमें ऊपर से तड़का भी डाल रहे मसाले और भुनी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और तेजस्वी केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगी राज ब्लॉग में, ब्लॉग की स्टार्टिंग में। तुंगनाथ घाटी के सुंदर से गाँव करोखी से कर रही हूँ और आप देख सकते हैं करोखी गांव का लोकेशन किस प्रकार से है। चारों ओर बादल भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये है सुंदर सा करोखी गांव। वीडियो की स्टार्टिंग में शाम से कर रही हूँ और अपने यहाँ खेत से कर रही हूँ। तो बारिश तो हो ही रही है अभी और हम बारिश में आए हैं खेत में और यहाँ से हम निकालेंगे चौलाई की हरी हरी पत्तियाँ और उससे मम्मी कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली है और मम्मी और मैं जा रहे हैं। ये है चौलाई के पत्ते, क्या बोल देनी है मार्चो मार्चो। हमारे यहाँ इसको गढ़वाल में मार्चो बोलते हैं और कुमाऊं में चौलाई बोलते हैं, चू भी बोलते हैं इसको। ये है यहाँ पे बीन्स, राजमा दाल होती है यहाँ बहुत ज्यादा है ये। और ये है मीठे करेले। तो ये है मम्मी, हाँ देखते हैं मम्मी क्या बनाती है स्पेशल। तो यहाँ से मैंने एक फूल निकाला प्यारा सा, तो वो है नई वाली मकान और ये है पहले की पुरानी वाली। तो बहुत लंबी है उधर से मेरी बड़े भाई लोगों की है और ये हमारी थी, लेकिन यहाँ कोई रहता ही नहीं है, भैया लोग दर्द में रहते हैं। और ये है माल्टे के पेड़, छोटे छोटे माल्टे लगे हैं इस पे, देखिए। अब देखते हैं कब आते हैं माल्टे के टाइम पे हम। और ये मम्मी फिर नीचे गई है, नीचे खेतों से भी निकाल दिए हैं मम्मी। और यहाँ भी ये बहुत सारे माल्टे के पेड़ हो रखे और अच्छे अच्छे फूल भी खिले हैं यहाँ। तो ये हैं फूल और के अच्छे अच्छे पुराने रीति रिवाज है। अच्छा मैम सिखाओ, मत सिखाणी बनाया आज। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था, हमने मच्छी बनाई थी और इन्हीं हरी पत्तों से हम कुछ स्पेशल बनाएंगे। आप लोग भी ये चीज है देखी थे बनाने की कोशिश करें, बहुत पौष्टिक आहार मिलता है। धन्यवाद। तो हमने सारी चौलाई इकट्ठा कर दी है और आ गए हैं हम घर खेत से। तो अब देखते हैं बनाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने ये कढ़ाई ली है और इसमें ये लकड़ियाँ छोटी करके डाल दी। तो मैं आपको दिखाती हूँ और मम्मी बोलेगी कि क्या क्या करनी है, पूरी प्रोसेसिंग बता देगी। सबसे पहले मैं पानी में ये हरी सब्जी को साफ कर रही हूँ चौलाई को। मम्मी ये हरी सब्जी को बारीक तरीके से जो चौलाई है उसको आटे में काट दिए और उसमें फिर और चीजें भी मिलानी है ना। नमक मिर्च बड़ पता नहीं था, बस ये दूसरे तरीके से भी बनता है लेकिन जब ये पत्ते छोटे हो। इसमें ये मिर्च मसाले मिला रही है और सबसे पहले आटा डाला था, फिर हरी सब्जी बारीक करके डाला नमक और फिर ये है। अब मम्मी इसको मिक्स कर रही है। ये मम्मी इसमें धीरे धीरे पानी मिला रही है। ये मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया है और ये वैसे तो पहाड़ी मोमोज है ये।
प्रकार से रख दीजिए और ये पकेंगे स्टीम में। वैसे ये मोमो के बर्तन में भी बन सकते हैं ना, ज्यादा कड़े ही पकाना घर पर, ये शुद्ध है ये। तो मम्मी ने ये सारे रख दिए हैं यहाँ। अब ये सारी मम्मी ने यहाँ रख दिए हैं और अब क्या करना है इसका? अब ये अच्छा आग में अच्छा ये मोमो की तरह स्टीम होगा, बाद में छौंकनी फिर इसको। अब आगे की प्रोसेसिंग में आपको दिखा दी है मतलब मम्मी ने। तो जो ये है, जो ये पहाड़ी मोमोज है, इसको अब स्टीम के लिए आग में रख देंगे। और ये कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और मम से ढक्कन रख दिया है और आग तो वैसे बहुत कम जलाते। तो ये स्टीम 10 या 15 मिनट बाद हो जाएंगे। तो अब 20-25 मिनट हो गए और स्टीम हो गए। अब हम इनको निकालते हैं और अब आगे की प्रोसेसिंग दिखाती हूँ। मोमोज बोलूंगी मैं इनको, लेकिन मम्मी क्या बोल रही? गुनावा। तो ये स्टीम हो गए हैं मतलब अच्छी तरह से पक गए हैं और थोड़ा इनको अब हवा पे रखेंगे। तो ये हमारे गढ़वाल के पहाड़ी व्यंजन है, बहुत टेस्टी होते हैं। ये जो स्टीम करे थे पहाड़ी मोमोज, ये अब ठंडे हो गए और मम्मी इनको सेब दे रही है चाकू से। सारे काट दिए तो अब इसको फ्राई करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मम्मी आज पहाड़ी डिश सेक रही है। ये है मम्मी ने इस तरह से काट दिया है इसको, तो आप देख सकते हैं। इसको हम वैसे कच्चा भी खा सकते हैं, अच्छा हो रहा है लेकिन आप छौंक के और अच्छा होगा। तो अब हम किचन में आ गए हैं और ये गुनावे यहाँ लागे हैं और ये मैंने यहाँ पे, मैंने क्या मम्मी ने तेल डाल दिया है सरसों का, थोड़ा ज्यादा ही डाला है और इसमें सरसों के दाने डाल दिए हैं। अब इनको पूरी तरीके से पकने देंगे और फिर इनको छौंक लगाएंगे। आटा गूंद के रख दिया है, रोटी के साथ इसको खाएंगे। तो हमारे सरसों के दाने चढ़क गए हैं। तो पापलेट के साथ तो इसमें मिलाइए और अब इसको फ्राई करेंगे। तो ये अब तैयार हो गई है और इसमें ऊपर से तड़का देंगे। तो लास्ट में इसमें जो मिर्च है लाल वाली उसको भून के डालेंगे। और अब इसमें ये धनिया डाल दिया है मसाले। इसमें मिर्च डाल दी है, मिर्च से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तैयार हो गया है और इसमें ऊपर से तड़का भी डाला है मसाले और भुनी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया, सूखा धनिया रखा था। दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में तो होगा ही। अब बना रहे हैं हम यहाँ पर रोटी। ये है हमारी छोटी बहू, छोटे वाले भाई की बीवी। तो छोटा भाई आजकल केदारनाथ है,
बहुत अच्छी तरीके से बना दिया, छोटी छोटी पतली पतली। तो अब लेते हैं टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद। तो खाने में बहुत टेस्टी हो रहा है और साथ में भुनी हुई लाल मिर्च, तो स्वाद और ही बढ़ गया है। तो रोटी के साथ हो चावल के साथ बहुत टेस्टी होता है। तो आज हमने एक पहाड़ी, सुंदर सी पहाड़ी डिश दिखाई है और जो बहुत ही पौष्टिक होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस प्रकार से बनी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं संगीता मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार।